आज की हमारी रेसिपी है देसी चिकन, जो बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही टेस्टी तरीके से बनने वाला है। खाने में बहुत ही टेस्टी है, इसे हर कोई आसानी से बना सकता है। वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बेल आइकन दबा दीजिए। हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ईजी कुकिंग में। आज हम बनाएंगे देसी चिकन। इसके लिए हमने यहाँ पे 1.5 किलो समथिंग चिकन लिया है। यहाँ पे 2 किलो का चिकन था, साफ वाफ करके 1.5 किलो समथिंग हुआ है। साथ में आप देख सकते हैं चिकन में अंडा भी होने लग गया था, तो उसका एग भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे चिकन धोने के बाद में हमने यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। साथ में 1 चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। साथ में हमने इसमें ऐड किया है स्वाद के अनुसार नमक। बहुत ही कम मसालों से बनाएंगे, सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ करेंगे। साथ ही यहाँ पे हमने आधा कटोरी दही ले लिया है, यहाँ पे थिक दही है। और इसमें हम ऐड करेंगे सरसों का तेल, यहाँ पे 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल ऐड किया है। इन सभी को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, अच्छी तरीके से मैरिनेट कर लेना है। और इसे हम तुरंत ही बना रहे हैं, इसे रेस्ट के लिए हम नहीं रखने वाले हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चिकन मैरिनेट हो चुका है। साथ ही हमने कढ़ाई में डाला है कुकिंग ऑयल, यहाँ पे मैंने 4 से 5 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड किया है, सरसों का तेल। और तेल गरम होने के बाद में इसमें हमने डाला है तेजपत्ता 2 से 3 और आधा चम्मच जीरा। तेल अच्छा गरम होने के बाद ही आप तेजपत्ता और जीरा ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं जीरा और तेजपत्ता भुन चुके हैं। इसके बाद हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। आराम से ऐड करिए, तेल वेल ना छीटे, बहुत गर्म होता है। आप लोग सावधानी से चिकन वगैरह कुछ भी बनाते हैं खाना, तो अपना ध्यान जरूर रखिए। तो यहाँ पे मैंने चिकन ऐड कर दिया है, इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप देखेंगे पूरा ऑयल बाहर आने लग गया है, और जो हमने दही डाला है उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो आप अगर इसमें दही डालना चाहते हैं तो डालिए, वरना स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह आप टमाटो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4 लहसुन की कलियाँ ले ली है, और अच्छे से मैंने धो लिया है लहसुन को, और उसके बाद मैंने ऐड कर दिया है। लहसुन खाने में साथ में बहुत ही अच्छा टेस्ट लाता है, और हजम के लिए भी अच्छा होता है, बॉडीज के लिए भी अच्छा होता है। तो इसे मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पे 1 ग्लास पानी ऐड कर दिया है, क्योंकि देसी चिकन है, हार्ड होता है, पकने में टाइम लगता है। तो इसे हम ढक के पका लेंगे, बीच बीच में हम इसे चेक भी कर लेंगे। यहाँ पे 4 से 5 मिनट बाद में चेक कर लेंगे, आप देख सकते हैं पानी पूरा बाहर आ चुका है। इसे हम थोड़ी देर चला के फिर से हम ढक के पका लेंगे। यहाँ पे 10 से 15 मिनट समथिंग हमें पका लेना है। आप देख सकते हैं पानी बहुत सोख हो चुका है, और हमारा चिकन है बहुत पक चुका है। इसी तरीके से हम इसको चलाते हुए पकाएंगे, और पूरा जो पानी है उसे हम सोख कर लेंगे। अभी हम इसे ढक के नहीं पकाएंगे, इसे हाई फ्लेम पे इसी तरीके से चलाते हुए पका लेंगे। यहाँ पे हमारा चिकन ऑलमोस्ट पक चुका है। तो इस यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी ऑयल से बाहर आ चुकी है, इसका मतलब चिकन मैरिनेट पक चुका है अच्छी तरीके से। और इसमें हमने 1 चम्मच गरम मसाला ऐड किया है। गरम मसाले में हमने लौंग, इलायची, दालचीनी का पाउडर मिक्सर जार में पीस लिया है और इसे ऐड कर दिया है। और इसे अच्छे से हम इसी तरह से मिला लेंगे। अच्छे से जब पूरा पक जाएगा उसके बाद में हम इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी कर लिया है और चिकन हमारा पक चुका है। यहाँ पे मैंने 1 गिलास गर्म पानी ऐड कर दिया है, और इसे इसी तरीके से चलाते हुए पका लेंगे। यहाँ पे 4 से 5 मिनट हम चिकन को पकाएंगे। अगर आपको ग्रेवी नहीं चाहिए था, नहीं है, तो आप लोग इसे पानी ऐड ना करें। गरम मसाला डालने के बाद दैट्स इट, आपका चिकन रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पानी ऐड करने के बाद में 4 से 5 मिनट पका लिया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, और खाने में बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है, झटपट बन जाता है। बहुत ज़्यादा इसमें हम लोगों को मसाले नहीं हैं, सिंपल हमारे घर के जो मसाले, मैंने प्याज ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पे हमारा चिकन बनके रेडी है। हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, बहुत ही कम ग्रेवी है। गर्मा गर्म रोटी, चावल, पराठे, पूड़ी, तंदूरी रोटी के साथ भी खा सकते हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।